दोस्तों आपके पास मोबाइल सस्ता हो या महंगा हो, दोस्तों आप लोगों के में बैटरी जो है आप लोगों के में बहुत स्लो चलती है और बहुत ही कम चलती है। तो दोस्तों आप लोगों को यहाँ पे तीन ट्रिक बताएंगे, अगर आप लोग ये तीनों ट्रिक कर लोगे तो दोस्तों आपके जो मोबाइल में है पूरा दिन रात आप लोग बैटरी ख़त्म ही नहीं कर पाओगे। कितना भी मोबाइल आप यूज करें आपके मोबाइल का बैटरी का बैकअप ख़त्म ही नहीं होगा। दोस्तों अगर आप लोगों को जो मैंने तीन ट्रिक बताऊँगा, अगर ये तीनों ट्रिक आपने अपने मोबाइल में कर लिया तो दोस्तों आपका जो मोबाइल की बैटरी का बैकअप है वो कम से कम 2 से 3 दिनों तक चलने वाला है। तो दोस्तों वीडियो में कौन सी आपको ट्रिक करना है, कैसे करना है, तो वीडियो को हमारी फॉलो कर लीजिए और साथ में आप लोग अपने मोबाइल में सेटिंग कर लेना है ताकि आप लोग हमारे जैसे आपका बैटरी का बैकअप काफ़ी समय तक चला सकते हैं। तो चलते हैं वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों आपको क्या करना, सबसे पहले अपने मोबाइल की सेटिंग को ओपन करना है। ओपन करने के बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे तो सभी के मोबाइल में एक सेटिंग मिल जाएगी जिसका नाम होता है एक्सेसिबिलिटी सेटिंग। अब दोस्तों यहाँ पे एक्सेसिबिलिटी की सेटिंग जो है आप लोगों इसको ऑन करेंगे। ऑन करने के बाद दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर मिलेगा आप लोगों को एक ऑप्शन जिसका नाम होता है कलर एंड मोशन, आपको इस पर क्लिक करना है। अब जैसे इस पर क्लिक करेंगे दोस्तों तो यहाँ पर ऑप्शन एक मिल जाएगा आपको रिमूव एनिमेशन, ये दोस्तों हमारा बंद होता है, लेकिन आप लोगों को ये बंद नहीं होना है क्योंकि यहाँ पे इसको ऑन कर लेना है, क्योंकि हर जगह हमारा एनिमेशन लगा जाता है, हर बैक पर एनिमेशन लगता है, किसी एप्लीकेशन को ऑन करते हैं वहाँ पे एनिमेशन लग जाता है, तो ऐसे में हमारा बैटरी का बैकअप बहुत ही ज़्यादा ख़त्म होता है। ठीक है, तो आप लोगों को यहाँ पर इसको ऑन करके रखना है। तो पहली सेटिंग आपको ये करना है। अब दूसरे नंबर की सेटिंग करने के लिए आपको बैक होना है और बैक होने के बाद नीचे चले आना अबाउट फोन में। ठीक है, अबाउट फोन में आएंगे तो आपको यहाँ पे वर्जन नंबर आप लोगों को मिलेगा, इस पर क्लिक करके आपको ये बिल्ट नंबर मिलेगा, आपको इस पर 7 से 8 बार लगातार क्लिक करना है। यहाँ पर हेडियन सेटिंग एक ओपन हो जाएगी, उसके बाद आपको बैक होना है और यहाँ सिस्टम सेटिंग मिल जाएगी, इस पर क्लिक कर देना है। अब जैसे इस पर क्लिक करेंगे दोस्तों नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा डेवलपर ऑप्शन। ठीक है, इस पर आपको सेलेक्ट करना है। अब जैसे इस पर सेलेक्ट करेंगे दोस्तों नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहाँ पे सेटिंग मैंने करके रखी है, तो अगर आप लोगों के में इस सेटिंग को नहीं किया है तो आप लोगों को कर लेना है। ठीक है, तो नीचे स्क्रॉल करेंगे। अब जैसे नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे एक आपको सेटिंग मिल जाएगी वाईफाई स्कैनिंग थॉल्टिंग। ठीक है, ये मैंने ऑन करके रखा, हो सकता आप लोगों के में इस तरीके से बंद पड़ा हो, तो आपको इसको बंद नहीं रखना है, इसको आप लोगों को हमेशा के लिए ऑन कर लेना है ताकि आप लोगों का जो बैटरी का बैकअप है वो रिड्यूज हो जाए, इंक्रीज करे ताकि आपका बैटरी का बैकअप बढ़ जाए। यहाँ पे साफ साफ इसका डिस्क्रिप्शन आप लोगों को पढ़ेंगे तो आपको लिखा हुआ मिल जाएगा रिड्यूज बैटरी ड्राइंग इन परफेक्ट नेटवर्क प्रोफनेस। अगर आप लोगों को इसको ऑन रखोगे तो आपके जो बैटरी को रिड्यूज कर देगा, साथ में आपको इंक्रीज करेगा, और साथ में आप लोगों को यहाँ पे दूसरी फ़ायदा ये होगा आप लोगों का नेटवर्क जो है स्लो आता है वो भी आप लोगों को अच्छा आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो दूसरे नंबर की सेटिंग आपको ये करना है। अब यहाँ तीसरे नंबर की सेटिंग करने के लिए आपको नीचे स्क्रॉल करना है और यहाँ पे आपको लास्ट सेटिंग जो है आप लोगों को ये कर लेना है। ठीक है, तो आपको नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आप लोगों को यहाँ पे मिलेगा बैकग्राउंड प्रोसेस लिमिट, आप लोगों को इस पर क्लिक करना है। अब जैसे इस पर क्लिक करेंगे दोस्तों तो आप लोगों को यहाँ पर मिलेगा स्टैंडर्ड लिमिट का ऑप्शन, इस पर क्लिक हुआ मिलेगा। लेकिन ऐसे में आप लोगों का क्या है, आप लोग कितनी भी मोबाइल में एप्लीकेशन चला रहे हैं वो हमेशा बैकग्राउंड में प्रोसेस करती रहती हैं, तो दोस्तों आप लोगों को यहाँ पे स्टैंडर्ड लिमिट से हटा के आपको यहाँ पे नो बैकग्राउंड प्रोसेस लिमिट पर क्लिक करना है ताकि आप लोगों का कोई भी एप्लीकेशन बैकग्राउंड में प्रोसेस ना करे और आपका जो बैटरी का बैकअप है वो काफ़ी समय तक चल सके। तो दोस्तों ये मैंने जो तीन सेटिंग बताई यहाँ पर, तीनों सेटिंग अगर आपने कर ली तो दोस्तों आपका मोबाइल का जो बैटरी का बैकअप है जल्दी ख़त्म ही नहीं होगा और लगभग 2 से 3 दिनों तक चलेगा। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कर देना। धन्यवाद।